जय इंडिया साथियों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रुदौली ट्रांसैक्शन क्लब। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। आज हम फिर से 6 नई ट्रेनों की जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और होली स्पेशल के रूप में यह ट्रेनें चलने जा रही हैं। कहाँ से कहाँ तक इन ट्रेनों का संचालन होगा और कहाँ कहाँ पर इसका ठहराव होगा, कब से यह ट्रेनें चलेंगी, सभी चीज़ों की आज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और आपको फटाफट बता देते हैं 6 नई ट्रेनों के बारे में जो कि होली विशेष गाड़ी के रूप में चलने जा रही है। हमारी जो पहली ट्रेन है, ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन तक चलने जा रही है, और इस गाड़ी को ट्रेन नंबर मिला है 090-03/09-04। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से शाम को 4 बजे रवाना होगी, और ये ट्रेन अगले दिन 2:25 पर आपको दिल्ली के सराय रोहिल्ला पर पहुंचा देगी। वहीं यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से शाम को 5:25 पर रवाना होगी, और अगले दिन 3:25 पर आपको मुंबई सेंट्रल पहुंचा देगी। बात करें इस ट्रेन के संचालन के बारे में, तो यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 22 मार्च एवं 29 मार्च को, वहीं यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से 23 मार्च एवं 30 मार्च को रवाना होगी। इस ट्रेन का जो ठहराव दिया गया है बीच में, वो बोरीवली, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा, रिंगस, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकेगी यह ट्रेन। हमारी जो दूसरी होली स्पेशल ट्रेन है, ये आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर के बीच में चलेगी, और इसको जो ट्रेन नंबर मिला है वो 04022/04021। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात में 11:35 पर रवाना होगी, और रात में 9:30 पर मुजफ्फरपुर आपको पहुँचा देगी। वहीं मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन रात में 11 बजे रवाना होगी, और यह ट्रेन आपको आनंद विहार टर्मिनल रात में 11:30 पर पहुंचा देगी। आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन 21 मार्च को रवाना होगी, वहीं मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन 22 मार्च को रवाना होगी। इसका जो ठहराव दिया गया है रास्ते में, आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद मुरादाबाद, चंदौसी, लखनऊ जंक्शन, बाराबंकी, गोरखपुर, छपरा, छपरा ग्रामीण और हाजीपुर स्टेशन पर रुकते हुए यह मुजफ्फरपुर तक जाएगी। हमारी जो अगली ट्रेन है, ये चलेगी श्री गंगानगर से आगरा कैंट के बीच में, और इस ट्रेन को ट्रेन नंबर मिला है 04741/04732। यह ट्रेन श्री गंगानगर से दोपहर में 2:30 पर रवाना होगी, और शाम को 4:50 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। वहीं आगरा कैंट से यह ट्रेन 7:05 पर सुबह में रवाना होगी, और रात में 12:50 पर यह आपको श्री गंगानगर पहुँचा देगी। बात करें इस ट्रेन के चलने के टाइम की, तो यह ट्रेन श्रीगंगानगर से 20 मार्च एवं 27 मार्च को, वहीं आगरा कैंट से यह ट्रेन 21 मार्च एवं 28 मार्च को रवाना होगी। बात करें इस ट्रेन के ठहराव के बारे में, तो यह ट्रेन अबोहर, मलोट, गिदड़बाहा, बठिंडा, सिरसा, मंडी, आदमपुर, हिसार, हांसी, भिवानी, बरखी, दादरी, रेवाड़ी, अलवर और मथुरा जंक्शन स्टेशन पर रुकते हुए आगरा कैंट तक जाएगी। हमारी जो चौथी ट्रेन है, वो चलेगी पुणे से गोरखपुर जंक्शन के बीच में, और इसको ट्रेन नंबर मिला है 014/31/014/32। यह ट्रेन पुणे से शाम को 4:15 पर रवाना होगी, और रात में 9 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं गोरखपुर जंक्शन से यह ट्रेन रात में 11:25 पर रवाना होगी, और 6:25 पर सुबह में यह आपको पुणे जंक्शन पहुँचा देगी। पुणे से इस ट्रेन का संचालन 22 मार्च एवं गोरखपुर जंक्शन से इस ट्रेन का संचालन 23 मार्च को किया जाएगा। बात करें इस ट्रेन के ठहराव के बारे में, तो यह ट्रेन दौड़ कार्ड लाइन होते हुए अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड़ जंक्शन, भुसावल जंक्शन, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। बीच में यह ट्रेन लखनऊ रेलवे स्टेशन से होते हुए जाएगी। हमारी जो अगली होली स्पेशल ट्रेन है, ये उदयपुर सिटी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलेगी,
और इसको ट्रेन नंबर मिला है 096-03/096-04। यह ट्रेन उदयपुर सिटी से रात में 11 बजे रवाना होगी और दिन में 3:20 पर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचा देगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से यह ट्रेन 10:50 पर रवाना होगी और दोपहर में 3:10 पर यह ट्रेन आपको उदयपुर सिटी पहुंचा देगी। उदयपुर सिटी से इस ट्रेन का संचालन 19-26 को किया जाएगा। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से इस ट्रेन का संचालन 21-26 को किया जाएगा। बात करें इस ट्रेन के ठहराव के बारे में, तो यह ट्रेन उदयपुर सिटी से चलने के बाद राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, नज़ीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार, लुधियाना जंक्शन, जालंधर कैंट और जम्मू तवी स्टेशन पर ठहराव लेते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाएगी। हमारी जो अगली ट्रेन है ये चलेगी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोरखपुर जंक्शन के बीच में और इसको जो ट्रेन नंबर मिला है वो 010-83/010-84। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रात में 10:35 पर रवाना होगी और सुबह 9:30 पर आपको गोरखपुर जंक्शन पहुंचा देगी। वहीं गोरखपुर जंक्शन से यह ट्रेन दोपहर में 3:30 पर रवाना होगी और रात में यह आपको 12:40 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा देगी। बात करें इस ट्रेन के संचालन की तारीख के बारे में, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से यह ट्रेन 22 को और गोरखपुर जंक्शन से यह ट्रेन 24 को रवाना होगी। इसका जो ठहराव दिया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलने के बाद, तो यह ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल जंक्शन, खंडवा, इटारसी, भोपाल जंक्शन, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, इसके बाद लखनऊ चारबाग, गोंडा और बस्ती स्टेशन पर रुकते हुए गोरखपुर जंक्शन तक अपना सफर तय करेगी। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी इन 6 ट्रेनों के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की ताज़ा अपडेट आपको 6 नई ट्रेनों के बारे में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।